साथियों, बेहतर लाइफ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CBSE द्वारा जारी किए गए सर्कुलर एकेडमिक 51/2021 के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि CBSE ने 5 जुलाई को यह सर्कुलर जारी किया और इस सर्कुलर के हिसाब से अब इस सत्र में 2021-22 में बच्चों का क्लास 12 के और क्लास 10 के बच्चों का दो बार बोर्ड एग्ज़ाम होगा। एक पहला टर्म वन का बोर्ड एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के महीने में होगा और टर्म टू का बोर्ड एग्ज़ाम मार्च अप्रैल के महीने में होगा। इस सर्कुलर में CBSE ने यह भी किया है कि लगभग यह एग्ज़ाम 50% बाइफर्केटेड सिलेबस के आधार पर होगा। पहला बोर्ड एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का होगा और इसमें केस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे। और दूसरा एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस केस बेस्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस के आधार पर होंगे, साथ ही इसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। यह एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। यदि किसी तरह की विपरीत परिस्थिति आती है तो इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि CBSE किसी कठिन परिस्थिति में दूसरे बोर्ड एग्ज़ाम को भी मल्टीपल चॉइस 90 मिनट जो पहला प्रारूप होगा, पहले टर्म का होगा, वैसे ले सकती है। लेकिन वो किसी विशेष परिस्थिति में यदि पेंडेमिक आ जाए, तीसरी लहर आ जाए, इस तरह की कुछ विशेष परिस्थिति बनती है तो। और इस सर्कुलर को मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप CBSE एकेडमिक पर जाकर के इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे और भी डिटेल दिए हुए हैं। मैं 2-3 मुख्य बातों का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि सबसे पहले जुलाई के महीने में ही CBSE कह रही है कि हम रेशनलाइज सिलेबस जैसे पिछले साल आया था उसी तरह से रेशनलाइज सिलेबस जारी करेंगे। तो आप सबसे पहले उस रेशनलाइज सिलेबस को देखें और बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के इस परीक्षा पद्धति के लिए अपने आप को तैयार करें। इसके लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए OMR सीट का प्रयोग सीखना चाहिए। आप कोई भी स्टैंडर्ड OMR सीट लेकर के बाज़ार से खरीद सकते हैं या इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर अपना अभ्यास शुरू करें, क्योंकि OMR सीट भरना भी बहुत आवश्यक होता है, ठीक से भरना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही यह कहूँगा कि आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखें और उम्मीद है कि जो परिस्थिति 2021 के छात्रों के लिए उत्पन्न हुई और उन्हें क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 तीनों के रिजल्ट के बेस पे उनका रिजल्ट बन रहा है, उनका परिणाम घोषित किया जाएगा, तो उसी के मद्देनज़र CBSE ने ये तैयारी की है। और साथ ही कहीं ना कहीं यह भारत सरकार की नई शिक्षा नीति से भी जुड़ी हुई लग रही है, क्योंकि जिस तरह से केस बेस्ड स्टडी और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात की जा रही है तो इससे यही मालूम पड़ता है कि परोक्ष रूप से CBSE द्वारा नई शिक्षा नीति की तरफ भी कुछ न कुछ कार्य किया जा रहा है। तो इसके लिए आप तैयार रहें और हमारी शुभकामनाएं और सद्भावनाएं आप लोगों के साथ है। बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के तैयारी करें, अभी से करें। और साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी हम इस तरह के कुछ उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर आए और इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।